और अब यहां पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास शो मन की बात कार्यक्रम की। मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब से एक घंटे बाद पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण होने जा रहा है। पीएम मोदी 100वीं बार मन की बात करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे 100वें एपिसोड का प्रसारण यहां पर होने वाला है। यूपी में भाजपा ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है, भव्य तैयारियां की गई है। आज प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम को मुस्लिम बाहुल्य जिलों के साथ ही अलग अलग जगहों पर दिखाया जाएगा, मदरसों में सुनाया जाएगा। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी भी मदरसों में मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम को सुनेंगे। महाराष्ट्र में गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे, जो कि वहां पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर पर भी इसका लाइव प्रसारण होने जा रहा है और ये पहला मौका है जब विदेशों में भी इस कार्यक्रम का इस तरीके से लाइव प्रसारण होने वाला है। लोग वहां पर भी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुनने जा रहे हैं। ये 100वां एपिसोड अपने आप में बेहद खास है। प्रधानमंत्री का बेहद खास शो है ये, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी मन की बात को सामने रखते हैं, भारतवासियों के साथ उनको संबोधन करते हैं इस दौरान। तो आइए 100वां एपिसोड इसका, और इसे लेकर के बीजेपी ने भव्य तैयारी की है, बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। इस मन की बात कार्यक्रम को एक मेगा इवेंट की तरह यहाँ पर बनाया गया है। इसके लिए बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और खासतौर पर यूपी की बात की जाए तो यूपी में बूथ स्तर पर तैयारियां इसके लिए की गई है। मदरसों में इस कार्यक्रम को सुनाया जाना है। अब से एक घंटे बाद पीएम मोदी की मन की बात होने जा रही है, बेहद कम समय बचा है। एबीपी गंगा पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो वहां से हर एक हलचल की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों में खासा उत्साह 100वें एपिसोड को सुनने के लिए इंतजार है 11 बजे का कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। बहुत कम समय बचा है, 11 बजे मन की बात का प्रसारण होने जा रहा है। इसको लेकर के देश भर में भव्य तैयारियां की गई है। भाजपा की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर के व्यापक तैयारियां और देश में हर एक जगह बूथ स्तर पर इसकी तैयारियां, ताकि हर कोई इस कार्यक्रम को सुन सके। पीएम नरेंद्र मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी और आज इसका 100वां एपिसोड है। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है और इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात को करते कैसे हैं, आखिरकार कैसे इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री अपने इस खास शो में बिना स्क्रिप्ट के लोगों को संबोधित करते हैं। और इस पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अधिक जानकारी देंगे। दिल्ली से अविनाश तिवारी बने हुए हैं, वहीं लखनऊ से मेरे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे लखनऊ में कैसी तैयारी चल रही है। तो सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, शैलेश अरोड़ा के पास, वहां पे क्या तैयारी है, क्योंकि मन की बात कार्यक्रम का ये 100वां एपिसोड इसे भव्य बनाने की भव्य तैयारी यहां पर की गई है बीजेपी की तरफ से। शैलेश, आपके पीछे मैं देख रही हूं कई लोग मौजूद है, हलचल भी वहां पर नजर आ रही है, क्या क्या वहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसी हलचल है इस वक्त, क्योंकि बेहद कम समय बचा है? देखिए, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल हॉस्टल है, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल, वहां पर। और यहाँ हमारे साथ इस हॉस्टल की, देखिए हम पहले बता दें, यहाँ पर फॉरेन के स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी अन्य जो देश है, विदेशी जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो पढ़ने आते हैं वो रहते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हॉस्टल है। और देखिए हमारे साथ में अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, नाइजीरिया, अलग अलग देशों के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और ये भी यहाँ पर आज पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। इन्हीं लोग से बात करते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि हिंदी में दिक्कत हो, लेकिन जितना काफ़ी, क्योंकि सीख चुके हैं, मुस्कुराहट बता दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुले अहमद है और मैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ एज ए विदेशी चार्टर विश्वविद्यालय में। आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम आएगा, सुनते हैं आप। हाँ, मैं तो 2017 से सब्सक्राइब हूँ और मुझे ईमेल भी आता है और मैं सुनता हूँ। ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत डिटेल्स में सब कुछ बताता है। इट्स अ वेरी गुड गवर्नेंस दैट अ प्राइम मिनिस्टर इज रिपोर्टिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल्स टू हिज पीपल एंड टू एंटायर ग्लोब। आपका नाम? माय नेम इज मोहम्मद अमीन एंड आई एम फ्रॉम तजिकिस्तान। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी ऑन? लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा। आप बताइए कि कैसा लगता है पीएम मोदी का मन की बात प्रोग्राम, इतने साल से 2014 से आ रहा है, आज उसका 100वां संस्करण, 100th एपिसोड टुडे। Yeah, it's very good because we have been living here for a long time since, and it was very wonderful, and I hope that they will be leading for the next
years. So thank you very much. He's not comfortable. देखिए कुछ और स्टूडेंट्स भी देखिए यहाँ पर आ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं जो तैयारी में कि जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट इनऑल कर लें जिससे 11 बजे हम तैयार हो जाएं प्रोग्राम के लिए. जी जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद मुला सालंगी है. आप भी सुनते हैं पीएम मोदी के मन की बात? या क्या अच्छा लगता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज ये मन के बात है, देखे ये लोग पीपल के लिए अच्छा सोबत है, अच्छा स्पीच है. दिस थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज भी सुनने वाले हैं? या टुडे यू आर गोइंग? या आई कुछ देखिए यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक बार फिर हम बातचीत करते हैं. देखिए और भी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं जल्दी के. कॉमन हॉल में देखिए इनके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं इस समय सोनिका, तो उनसे बात करते हैं. लेकिन तब तक एक जो टीचर यहाँ पर मौजूद हमें दिख रहे हैं डॉक्टर राजेश्वर, उनसे बात करते हैं. सर क्या कहना चाहेंगे आप ये मोदी के मन की बात को लेकर, आज कैसा अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में पूरा सब जगह अरेंजमेंट किया गया है, मंथन हॉल में भी किया गया है, माननीय हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं वहाँ पर किया गया है, पूरे हाथ छात्रावास में सब जगह व्यवस्था की गई है कि आज सब लोग मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के होंगे और उसको सबको इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, सुनते रहें. निश्चित रूप से पीएम की बात जो है हम लोग के लिए एक आइडियल रूप में हमारे पीएम हैं, तो उनकी बात को सुन करके उन जो भी कहते हैं, क्योंकि उनकी सारी बात का मूल तथ्य है राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, उनकी बात का मूल तथ्य निकल के आता है, तो राष्ट्र निर्माण में हम लोग भी सहभागिता अपना देते हैं, देना चाह रहे हैं, तो इसलिए उनके प्रेरणा से हम लोग उसके नए नए कुछ बिंदु होते हैं उस पर हम लोग जानना चाहते हैं. कुछ और लोगों से देखिए बात करते हैं. चलिए मैं आपके पास लौटूंगी एक बार, क्योंकि लोगों में खासा उत्साह, छात्रों में खासा उत्साह यहां पे देखा जा रहा है. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.